Assalamualaikum, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि क्रेयोलॉन की टीवी पेंट स्टिक को आप डिफरेंट तरीकों से किस तरह से यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लश के लिए, कॉन्ट्रोल के लिए, अपने काजल के लिए बहुत तरीके हैं और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सिखाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नहीं, लेकिन सबसे पहले हम अपना फेस धोएंगे, मॉइस्चराइज करेंगे और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ नींद से और मैंने अपना फेस नहीं धोया, कपड़े चेंज किया, फटाफट ऊपर आ गई हूँ। तो हम फेस वॉश करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्लीज कैमरे गिरना मत। पहले हम अपनी अंगूठियां उतार लेंगे। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग जिससे मैं अपने बाल बंद करूं। अच्छा जी, तो आजकल मैं ट्राई आउट कर रही हूँ जेनफार्म की प्रोडक्ट्स। प्रॉपर रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी, अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मैं फेस वॉश के लिए क्या यूज करती हूँ। ये है जेनफार्म का मैक्स स्टिफ ब्राइटनिंग फेस वॉश। इसकी सेंट बहुत जबरदस्त है, अच्छा सा, बहुत ही फोमी हो जाता है, वेलवेटी, मतलब बहुत ही मजे का लगता है आपके हाथों में। और जब आप फेस वॉश करते हो ना, तो आपका फेस जो है ना, वो ब्राइटन अप नजर आता है। ये देखो, ये दिखता कुछ इस तरह से है, रेड रेड ग्रेनुलाज हैं इसके अंदर। जब आप इसको यूं करते हो, ये अच्छा खासा बहुत ही वेलवेटी टच, फोमी टाइप का, क्लिंजर टाइप का हो जाता है। सेंट इसकी बहुत अच्छी है और ड्राई आउट नहीं करता आपके फेस को। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास दो क्रीम्स हैं। एक मैक्स स्टिफ की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, जिसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते थे प्लीज़ इसका रिव्यू कर दें, तो फाइनली मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, आप लोगों को रिव्यू बहुत जल्द दूंगी। एंड फिर उसके बाद है डर्मीवी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इसको भी मैं ट्राई आउट कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत जल्द इसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद है जेनफार्म का ही स्पेक्ट्रा ब्लॉक टिंटेड सुपर सन ब्लॉक क्रीम, इसमें है SPF 100 एंड PA++++, तो इसको भी मैं ट्राई आउट कर रही हूँ। मतलब अल्टरनेटिव डेज पे मैं यूज़ करती हूँ, एक दिन इसको यूज़ कर रही हूँ तो एक दिन इसको यूज करती हूँ मैक्स स्टिफ को। क्योंकि जब आप एक नई चीज को यूज करना स्टार्ट करते हो, तो आप अल्टरनेटिव डेज में यूज करो, वरना एकदम से रिएक्शन हो जाता है अगर आप रोजाना सुबह दोपहर शाम यूज कर रहे हो एक चीज को। तो अगर रिएक्शन होता है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप अल्टरनेटिव डेज पर एक चीज यूज किया करो। तो अब हम यूज करेंगे मैक्स स्टिफ की ये स्किन ब्राइटनिंग क्रीम एंड फिर ये सनब्लॉक। इतनी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। अभी मैंने ये सनब्लॉक अप्लाई किया है, ठीक है। इसको आप यूं यूं करके भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा फैला के छोड़ के, एंड फिर उसके बाद इसको ब्लेंड कर लो। मैं ट्यूब रखती हूँ। अच्छा जी, तो फाउंडेशन के लिए हमारी स्किन बिल्कुल रेडी, एकदम परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। लाइट भी बिल्कुल सेट हो गई है, मैंने कैमरा थोड़ा सा अंदर कर लिया और ना तो लाइट आ रहा था, जा रहा था। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि क्रेयोलॉन की टीवी पेंट स्टिक को किस तरह से यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन। अगर आप ब्राइडल बेस बना रहे हो, तो मेक श्योर कि आप नीचे कुछ मत अप्लाई करो, प्राइमर नहीं अप्लाई करते होते, ठीक है, क्रेयोलॉन टीवी पेंट स्टिक के नीचे। तो हम प्राइमर नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे फटाफट। जिन्होंने स्टिक नहीं देखी, तो दिखती कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आपने ओरिजिनल लेनी है, तो आजकल ये बारकोड आ रहा है, इसको आपने एंटर करना होता है 8424 पे, और आपको पता लग जाता है स्क्रैच करने के बाद, जब आप सेंड करते हैं 8424 पे, तो आपको पता लग जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो सबसे पहले हम एज अ फाउंडेशन इसको यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो, या आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी इस तरह से अप्लाई करते हो, ठीक है। जब डायरेक्ट अप्लाई करते हो, आपको सुपर डुपर कवरेज मिलती है, जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हो, तो थोड़ी नेचुरल लुकिंग हो जाती है। तो मैं इसको डैम्प करके आती हूँ। आप इसको एज अ टिंटेड मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। आपने इसको थोड़ा सा लेना है, इसमें मॉइस्चराइजर ऐड करना है, मिक्स करना है, देन अप्लाई कर लेना, बहुत थोड़ी क्वांटिटी, मतलब एक स्वाइप, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद मॉइस्चराइजर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड अप्लाई कर लेना है। डेली रूटीन में आप वो यूज कर सकते हो, अगर आप बहुत ही लाइट 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 कवरेज चाहते हो। अच्छा जी, तो हमने क्रेयोलॉन की टीवी पेंट स्टिक लगा ली, फिर उसके बाद हम स्पंज के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने पूरे फेस पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप और डिफरेंट तरीके से किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आज लाइट का बहुत इशू हो रहा है, मैं कभी वहां जा रही हूँ, कभी यहाँ आ रही हूँ, लाइट सूरज जो है वो कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, और मैं भाई चिट्टी भूत लग रही हूँ। खैर, मैंने पूरी फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर ली है, इसके साथ इसीलिए कहते हैं कि गर्दन पे भी अप्लाई कर लिया करें कि अपनी अपनी लगे।
अच्छा, अब आप इसको एज अ ब्लश किस तरह से यूज कर सकते हैं? आपने लेनी है क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक, उसको अप्लाई करना है अपने हाथ पे, ठीक है? फिर आपने कोई सी भी लिपस्टिक लेनी है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करना है, ठीक है? उसको अच्छे से ब्लेंड करना है एंड आपका ब्लश तैयार हो गया, क्रीम ब्लश, ठीक है? ये देखिए, उफ वाई इतनी चिट्टी, लाइक क्यों डरा रहे हो लोगों को सूरज साहब? अब ये जो ब्लश हमने अप्लाई किया है ना, ये फाउंडेशन में हमने मिक्स किया है, तो ये ड्राई आउट नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब कि ये क्रीम ब्लश की तरह काम करेगा, सुपर लॉन्ग लास्टिंग होएगा और खूबसूरत लगेगा। सो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है? और आपको लगे कि थोड़ा सा लाइट है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कलर हम थोड़ा सा कलर और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि हमारे चीक्स में थोड़ी सी जान आए, जान। आप फिंगर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है? और इसमें फाउंडेशन ऐड है तो आपकी फाउंडेशन हिलेगी जुलेगी नहीं, वरना तो अक्सर ऐसे होता है आप क्रीम ब्लश लगाते हो तो वो अक्सर आपके नीचे से फाउंडेशन को रिमूव कर देता है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सो क्यूट, सर्दियों में आई लव रेड रेड नोज, और जो बच गया थोड़ा सा उसको लिप्स पे अप्लाई कर लें। जिनको मैट लिक्विड लिपस्टिक नहीं पसंद वो इस तरह से लिपस्टिक बना सकते हैं उससे, ठीक है ना? और सेम जो है आप अपनी आईज पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से सेम आप अपना कॉन्ट्रोल शेड भी बना सकते हैं। आपने ब्राउन कूल अंडरटोन में कोई लिपस्टिक लेनी है, उसको इसमें ऐड करना है एंड क्रीम कॉन्ट्रोल बना लेना है। सुपर लाइट वेट, लाइक फील ही नहीं हो रहा कि मैंने अपने लिप्स पर कुछ लगाया है, एंड कैन यू सी सो प्रिटी। अच्छा जी, तो अब आप क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक को एज अ काजल भी यूज कर सकते हैं, नहीं पता ना? ये इससे ना आपकी आंखें जलती है, ना दुखती है, ना पानी निकलता है, वन ऑफ द बेस्ट। लाइक आपको न्यूड पेंसिल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है जब आपके पास क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक है। तो आप ब्रश लेंगे, ठीक है, ब्रश का जो ये वाला साइड है उसको थोड़ा सा इस तरह से टच करेंगे ताकि प्रोडक्ट इस पर अप्लाई हो। आपने ब्रश बहुत बारीक लेना है, मोटा ब्रश नहीं लेना। फिर आपने यूं करना है, ठीक है, एंड इसको Can you see? ना जल रहा है, ना दुख रहा है, और मेरी आंखों का जो साइज है ना वो बड़ा हो गया है। Can you see? खुली खुली बड़ी बड़ी नजर आ रही है। आपने देखी होंगी काशिस की ब्राइट, वो वाटर लाइन में जो है वो व्हाइट पेंसिल लगाते हैं, लेकिन आप न्यूड लगाएं, न्यूड बहुत ही नेचुरल और ओवर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। व्हाइट पेंसिल थोड़ी सी ज्यादा ओवर लगनी शुरू हो जाती है, और न्यूड पेंसिल जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो आपके पास अगर न्यूड पेंसिल नहीं है तो आप ये टेक्निक आजमा सकते हैं सिर्फ क्रेयोलॉन की टीवी पेंट स्टिक के साथ। ओके जी, सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने क्रेयोलॉन टीवी पेंट स्टिक को एज अ फाउंडेशन यूज किया, एज अ क्रीम ब्लश यूज किया, एज अ आईलाइनर यूज किया, इसको आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो, इसको एज अ आप कॉन्ट्रोर भी यूज कर सकते हो। सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आपको इसको सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन जो है वो ऑयली स्किन के लिए तो नहीं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए बहुत 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 अच्छी रहती है, लाइक मॉइस्चराइजिंग होती है। ऑयली स्किन के लिए थोड़ी सी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप कोई मैट फाउंडेशन ही यूज करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, कैन यू सी द ग्लो, लाइक मैंने कोई ब्लश वगैरह नहीं लगाया ऐसा लूमिनेटिंग ब्लश, लेकिन जो क्रीम्स मैंने नीचे लगाई है मे बी शायद उसकी वजह से ये फाउंडेशन ग्लो कर रही है। खैर, अच्छा, आपको जो है ना जेनफार्म के प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, नॉट स्पॉन्सर्ड। आपको क्रेयोलॉन की जो पेंट स्टिक है कहाँ से मिलेगी, मेकअप सिटी से मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी लोकल शॉप से आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगर मैं ऐसे हंसती होती कितनी अजीब लगती नहीं, और अगर ऐसे होती होंठ ही ना होता मेरा ऊपर वाला, तो अल्लाह के काम बेहतरीन। अल्लाह हाफिज।